वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज जोई और मैं मिलके रमज़ान में लोगों के लिए गिफ्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वो भी हमारे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है क्योंकि मैंने बहुत सारी शूटिंग कर ली थी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है आने वाली वीडियोस में, और जो आ चुकी है आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। और जोई भी देखा कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, आप लोग डिमांड कर रहे थे ना। मैं ऑलमोस्ट दानी के जितनी, हाँ दानी की जितनी हो गई है देखा। और मैं कुछ पहन भी नहीं रही हूँ। हाँ मैंने भी कुछ नहीं पहना फ्लैट से ना। तो आज हम लोग जो है वो पैकिंग कर रहे हैं पड़ोसियों को रमज़ान में हमारी तरफ से एक मोहब्बत भरा जेस्चर देने के लिए। तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये चीज़ें इकट्ठा किए ट्रे में कि मैं इस बास्केट में ये डालूंगी। तो चले फिल करना शुरू करते हैं। तो ये हमने सोचा पापड़ी चाट वगैरह छोले वगैरह में सब में बहुत काम आती है, रमज़ान के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये ले लिए हमने, थोड़ा निम्को वगैरह ले लिया है, शाम को चाय वगैरह के साथ मज़ा आता है, फेनी तो एज़ यूजुअल रमज़ान की जान है। और ये रूह अफ़ज़ा मुझे एक क्यूटी बड़ी लगी, छोटी सी बॉटल तो ये ली है। तो अब क्या है कि ये थोड़ा सा इसमें नैपकिन डालेंगे ताकि हमारे फ्रूट्स जो है वो दब ना जाए। पाइनएप्पल डालते हैं और फिर ये रूह अफ़ज़ा की बोतल डाल देंगे इस तरह से। ग्रीन वाला मैंगो, ऑरेंज, एप्पल्स। तो बेसिकली हमें इस तरह से भरना है कि सब विजिबल भी रहे, स्मूश भी नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत इस तरह के फ्रूट्स लिए हैं जो थोड़े से हार्ड साइड पे हैं कि वो अगर लेट भी खोले तो हर्ज नहीं है। और ये मैंगो। जोई सही लग रहा है? हाँ मुझे लगता है सही लग रहा है, बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाई है। अच्छी डिज़ाइन, बस ऐसा होना चाहिए। दानी मम्मा फ्लावर में काम करती थी ना, हाँ, तो वो हमेशा कहती थी हर फूल दिखना चाहिए, कोई छुपना नहीं चाहिए और कोई ओवर भी नहीं होना चाहिए, कुछ कम भी नहीं होना चाहिए। तो क्या ये रमज़ान का बुके है फ्लावर्स का? यस एग्जैक्टली। तो बस चलो अब इसको जो है रैप करते हैं, अब बताते हैं कि किस तरह से करना है। तो ये जो है फिलहाल हम हटा के यहाँ रख देते हैं। ये मेरे पास ये प्लास्टिक रैप है, ये खोलते हैं। तो जोई ये जो मैं काट रही हूँ ना, हाँ, ये होल्ड कर लेना, मैं एक और काटूँगी, ठीक है? फिर जब मैं मांगूँ तो ये देना, ठीक है? अभी ये ले लो, मैं एक और काटूँगी, ठीक है? वैसे भी ये जोई और आना को तो दे देने का इतना शौक होता है, जब भी कुछ गिफ्ट देनी होती है या कुछ भी तो दोनों लड़ रहे होंगे, मैं दूंगी मैं दूंगी मैं दूंगी। जैसे जब पप्पू को दे रहे थे तो सॉक्स थे और बहुत सारे ज्वेलरी थे और फिर बोला मैं ज्वेलरी दूंगी मैं ज्वेलरी दूंगी। नहीं वैसे भी ईद वगैरह पे सब तुम लोग को कितना दिल होता है ना दे देने का। हाँ। अच्छा तो अब क्या है कि बेसिकली एक जो है ना वो सील्ड है और एक सील्ड नहीं है, तो यहाँ से यूँ खोलना होता है। ये यूँ खोला और फूंक मार के इसको सेपरेट कर दिया। तो मुझे ट्राई करना है? नहीं वो अभी अभी नहीं ट्राई करना, लेकिन ये जब खुल जाएगा उसके बाद। चल वहाँ से खोल। बस अब वो स्ट्रेट कर दे यूँ। हाँ ऐसे एक यूँ रखा है ना, क्योंकि इसकी चौड़ाई ना ज़्यादा नहीं है और हमें चौड़ा करना है। और ये यहाँ रखेंगे सेंटर में। अब ये दो पोर्शन है ना, ये वाला, और सबको मिलाएंगे। अब टेप निकाल दे। ओके। थोड़ी सी लंबी, हाँ बस अब दोनों जगह से पकड़ना, उस जगह से भी पकड़ना इस जगह से भी लेके। हाँ कर कर। हाँ एक दो और ले ले। हाँ
ये गुड जॉब। तो ये अभी फिलहाल हमने ये ऐसा करा है, अब इसको दोनों को पकड़, वही दोनों मिलाएंगे। दोनों को मिला आज़ादा लड्डू। अब ये सारी चीज़ों को पकड़ लेंगे। चलो, यस, इसका एक मैजिक है। मैजिक क्या है पता है? तो अब ये जो है ना, इसको ऑन करेंगे और इसकी हीट से इसको टाइट करेंगे। मुझे क्या करना है पहले, मैं तो करूं। चलो 1 2 3 गो। तो ये टाइट होगा इस तरह से, दिख रहा है जोई? हाँ, सब कर्ल अप हो रहा है बबल के जैसे। नहीं वे बबल कैसे कर्ल अप हो रहे? चल लेकर दूर से, इतना ही डिस्टेंस से करना। इतना नहीं, जैसे दानी कर रही थी ना उसी डिस्टेंस से। अब यहाँ कर सकती है थोड़ा सा। हाँ हाँ, ऐसे। तो जोई सही लग रहा है? हाँ मुझे लगता है। इसके साथ क्या कुछ और भी देना होगा? मतलब कार्ड वगैरह जेस्टर के तौर पे ये जैसे लिए है तो ये वाला सही रहेगा। मुझे पढ़ना है। हाँ हाँ पढ़। द वर्ल्ड इज सो मच नाइसर व्हेन पीपल आर लाइक यू, पीपल हु ब्रिंग सो मच जॉय बाय स्पेशल थिंग्स दे डू। और पर अंदर कुछ भी नहीं है। अब अंदर लिखेंगे ना, और फिर अच्छा सा बो भी लगाएंगे। हाँ, अब लिखेंगे रमज़ान मुबारक, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। और थे इनॉग्रेशन टाइम, ये न्यू ओपनिंग। और ये कार्ड लगा देते हैं। तो बस इसी तरह से कंटिन्यू रखते हैं। तो देखा कितनी ढेर सारी बास्केट्स हमने बना दी जोई की हेल्प से। और अब मज़ा ऐसा आएगा देने में। और वैसे भी रमज़ान का महीना तो होता ही इस तरह से है कि जितना बांटो उतनी खुशी बढ़ती है, देने वालों के लिए भी और लेने वाले भी बड़ी खुशी से लेते हैं। तो आई होप आप लोग भी इसी तरह बांट रहे होंगे और आपके यहाँ भी आ रहा होगा, आप भी खूब मज़े कर रहे होंगे और मज़े करवा रहे होंगे। तो बस अब हम देने के लिए जाते हैं। अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।